स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मशीन गुरु के। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर। आज के वीडियो में मैं ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका वर्किंग भी बताऊंगा, जिसमें मैंने एक पार्ट भी सिलेक्ट किया है। इस पार्ट को मैं आपको मेजरमेंट देके बताऊंगा। ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये लाइट और ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये ऐसे पार्ट के लिए होता है जो कि स्मॉलर साइज हो, जिनके डायमेंशन हम नॉर्मल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर माइक्रोमीटर से नहीं ले सकते, जहां एक्सेस कर्व हो, कर्वेचर हो, आपको होल्स का सेंटर पोजीशन लेना हो, और जहां पे आप डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करने से वहां डिफॉर्मेशन का भी चांसेस रहेगा, आपका मेजरमेंट सही नहीं आएगा, वहां पे आप ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर का यूज करें। अभी जो आप मशीन देख रहे हैं ये ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर, ये ऑप्टोमेक कंपनी का बना हुआ है। ये 50x पर किसी भी पार्ट को 50 मिलीमीटर तक जूम कर सकता है। इस मशीन में जब आप पार्ट आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये हुड कवर है, ये इसका जो प्रोजेक्टर हेड है ये इसके ऊपर कवर लगा होता है ताकि बेटर आप इसके व्यू को देख सके। ये इसका स्क्रीन है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन, ये 400 डायमीटर का है। यहाँ पे मॉडल में डिस्क्राइब भी किया हुआ है, ये 400 डायमीटर का है। जब ये आपका इसका प्रोजेक्टर लेंस है, ये इसका प्रोजेक्टर लेंस है, ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर जिसमें अभी 10x जूम का लेंस लगा हुआ है, जो कि 10 गुना तक किसी पार्ट को जूम करेगा। ये इसके फोकसिंग लेंस है जो इनको सपोर्टिंग लेंस बोलते हैं। ये स्क्रीन के बगल में आप देखेंगे तो ये इसका DRO यूनिट है, डिजिटल रीड आउट, जहां से आप डिफरेंट मेजरमेंट पॉइंट्स, लाइन, सेंटर, एंगल, थ्रेड, सभी मेजरमेंट के ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यूमेरिक कीज दिए हुए हैं, जहां से आप सभी एक्सिस के वैल्यू चेक कर सकते हैं, रेडियस देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं। ये रिवॉल्विंग टाइप स्क्रीन है जिसमें आप इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेजरिंग। जब आप नीचे आएंगे तो इसमें आप देखेंगे ये ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर का बेड है, मशीन टेबल है, जिसके ऊपर आप पार्ट को रखते हैं। पार्ट को रखने के बाद इसमें इसका शैडो इस स्क्रीन पे क्रिएट होता है, और इस स्क्रीन पे जो शैडो क्रिएट होता है इसी से हम मेजरमेंट देते हैं। ये बेड 3 एक्सिस में मूव करता है, ये एक्स में भी मूव कर सकता है, ये वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस के लिए ये हैंडल नॉब दिया हुआ है, जिसे आप हाइट एडजस्ट करके स्मॉल और लार्ज वर्क पीस को प्रॉपरली स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ कीज भी दिए हुए हैं जो जिससे हम लोग काम कर सकते हैं, स्विचेज हैं, जिससे ये मेन फंक्शन का स्विच है, ये प्रोफाइल के लिए फैन है, ये लाइट है, ये सरफेस के लिए फैन है, ये लाइट है, ये हमारा DRO यूनिट के लिए लाइट है, और ये डीमर है। इस डीमर का यूज हम लोग शैडो को क्लीन करने के लिए, जो प्रोफाइल का जो व्यू आएगा उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। ये मशीन का नीचे बेस है, यहाँ पे ये लेंस दिया हुआ है जो कि लाइट को फोकस करके पार्ट के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है, और ये पार्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। आप इस पार्ट को मैन्युअली एडजस्ट कर देंगे और एक्सिस के मीडियम से आप मूव कर सकते हैं इन बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई। बेसिकली 2D मेजरमेंट्स आपको मिलेंगे। 2D मेजरमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आपको मैंने पहले भी बताया है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। लाइन टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, एंगल, थ्रेड के पिचेस, रेक्टेंगल के डायमेंशंस, पॉइंट से लाइन का डायमेंशन, लाइन से लाइन का डायमेंशन, मतलब आप कंसेंट्रिसिटी किसी पार्ट का, आप बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इसमें ले पाएंगे विदाउट अप्लाइंग अ प्रेशर, जिससे आप ऐसे पार्ट को भी मेजरमेंट ले सकते हैं जैसे प्लास्टिक पार्ट है, रबर पार्ट है, जिसको अगर आप डायमेंशन लेने के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो ये मशीन आपको विदाउट एनी प्रेशर अप्लाई किए हुए जूम करके उसको आपको प्रोजेक्ट करती है और आपको मेजरमेंट देती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर दिखाया, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को देखें और इससे अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।